कहते हैं शिक्षक वो कलाकार है जो मिट्टी को आकार दे सकता है। ये वो कलाकार है जो हर बच्चे का सपना साकार कर सकता है। आमतौर पर सरकारी क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता व शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते हैं, वहीं हिमाचल में सरकारी स्कूलों में युवा शिक्षक नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं। आज आपको ऐसे ही शिक्षक से रूबरू करवाते हैं जो ना केवल बेहतर शिक्षण कर रहे हैं बल्कि विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा व हुनर को भी तराश रहे हैं। मैं अनिल कुमार, कलाध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महेंद्रबाग। मैं गांव वासनी, तहसील पछाज, जिला सिरमौर का स्थानीय निवासी हूं। कक्षा 10 तक की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वासनी से उत्तीर्ण करने के बाद 2 साल का कला अध्यापक प्रशिक्षण सोलन से प्राप्त किया। उसके बाद फाइन आर्ट विषय के साथ स्नातक की पढ़ाई सोलन कॉलेज से की। मैंने 2015 से SMC नीति के तहत इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महेंद्रबाग में कला अध्यापक के पद पर कार्य करना शुरू किया। पेंटिंग में शौक और अपना कर्तव्य समझकर तभी से विद्यार्थियों में इस कला को विकसित करने का कार्य शुरू किया, जिसके लिए मुझे विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा अन्य सभी अध्यापक साथियों का भरपूर सहयोग मिला। परिणाम स्वरूप 2018 में हमने विद्यालय में विद्यार्थियों के बने चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई, जो कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शायद एक नई पहल थी। 2019 में फिर से विद्यालय में विद्यार्थियों के बने चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जो कि एक उत्कृष्ट प्रदर्शनी रही, क्योंकि उस प्रदर्शनी में लगे सभी चित्रों को डाइट नाहन ने खरीदा। अभी कुछ दिन पहले SFDA हॉल नाहन में विद्यार्थियों के बने चित्रों की तथा कुछ अपने बने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे कि वहां पर आए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से अध्यापकों ने काफ़ी सराहा। इसी अवसर पर विद्यार्थियों ने एक पेंटिंग हिमाचल प्रदेश शिक्षा सचिव को भेंट की। इसके अलावा विद्यार्थी समय समय पर विद्यालय में और विद्यालय से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में अब भाग लेते हैं। जो विद्यार्थी समय समय पर पेंटिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और पेंटिंग का कार्य करते हैं, उन्हें विद्यालय की ओर से सम्मानित किया जाता है और उभरते चित्रकार की उपाधि दी जाती है। खास ये है कि अनिल विद्यार्थियों को पहले चित्रकारी में परिपक्व व आत्मनिर्भर बनाने के लिए चित्रकला की बारीकियां सिखाते हैं। यही नहीं, बेहतरीन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाकर अर्जित होने वाली राशि को उन्हीं बच्चों में ही बांट देते हैं, ताकि उनका मनोबल व उत्साह बढ़े। स्कूलों में ऐसे प्रतिभाशाली व दूरदर्शी सोच के शिक्षक हो तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है।